हे एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट स्टार्ट्स विद अस, और ये बुक लिखी है कोलिन होवर ने। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग वीडियो देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हमें मॉनिटरी भी हेल्प कर सकते हो, जो आप QR कोड स्क्रीन पर देख रहे हो आप इसको स्कैन करके हमें मॉनिटरी हेल्प कर सकते हो, ताकि हम चैनल को और ज़्यादा ग्रो सके, अच्छा अच्छा कंटेंट ला सके। सो ये है बुक में चैप्टर नंबर 16 और यह है वीडियो नंबर 18। अब लिली कहती है ना कि जब आपका बच्चा हो जाता है ना, तो जो आपकी नॉर्मल सुबह होती है ना, वो तो गायब ही हो जाती है। पहले लिली क्या करती थी, जब उसका बच्चा नहीं हुआ था, वो अपनी आंखें खोलती थी, आराम से कई मिनट बिस्तर में लेटी रहती थी, अपना फ़ोन चलाती थी थोड़ी देर लेट के, कि फ़ोन में क्या क्या अपडेट हुआ रात भर, जो भी उसने कुछ मिस किया है, आराम से कॉफ़ी पीती थी और नहाते नहाते ना पूरे दिन भर का स्केड्यूल सोच लेती थी, अच्छा क्या क्या होने वाला है। लेकिन अब जब से एमी हुई है ना, हर सुबह उसको उठना पड़ता है, और उठते ही ना वो सबसे पहले अपने बच्चे के पास जाती है, वो सुसु करने भी नहीं जा पाती, और सबसे पहले जाए उसके पास, उसके कपड़े बदले, उसको खाना खिलाए, और जब तक ये सब कुछ मॉर्निंग ड्यूटीज़ ख़त्म होती है ना, तब तक वो ऑलरेडी लेट हो चुकी है वर्क के लिए, और उसके पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ना कि वो अपने आप को टाइम दे पाए। इसलिए लिली कहती है ना कि जो संडेज़ की मॉर्निंग होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा दिन होता है ना जब मैं चीज़ें थोड़ी रिलैक्स वे में कर सकती हूँ, और जो एमी है ना, जब वो संडे को उठती है तो मैं उसको अपने पास आके लिटा लेती हूँ, और मैं उसको ना सोते हुए देखती रहती हूँ, और वो चीज़ ना सोते हुए अपनी बेटी को देखना बहुत ही अच्छा लगता है, और उसको ऐसा लगता है ना जब वो सोती है तो मैं उसको बस देखती रहूँ देखती रहूँ। और ना जो एक माँ का प्यार है वो कितना अच्छा है। वो क्या करती है ना, फटाक से फ़ोन उठाती है, उसको सोते हुए अपनी बेटी को देख रही होती है, और ना एक फ़ोटो क्लिक करके ना रायली को भेजने वाली होती है, लेकिन कहीं ना वो थोड़ी झिझक रही होती है कि उसको भेजे या ना भेजे, क्योंकि जो भी कल रात को हुआ था छत पे, रायली ने जो भी कुछ किया था ना, उस चीज़ को ना लेके लिली को मन में थोड़ा सा डर भी था। और ऐसा नहीं है कि लिली रायली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, बस लिली को ये चीज़ लगती है कि भाई अगर हम तीनों एक साथ टाइम बिताते और चीज़ें सब कुछ सही होती तो कितना अच्छा होता, और जो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ अपनी बेटी एमी के साथ, वही चीज़ शायद रायली भी फील कर पाता। इसीलिए ना जब भी लिली को मौका मिलता था पहले, तो वो क्या करती थी ना, बीच बीच में बेटी की फ़ोटो खींच के ना रायले को भेज दिया करती थी, लेकिन कल रात के बाद से तो भाई उसने डिसाइड करा ना कि नहीं, वो थोड़ा सा अब थोड़ा कंट्रोल करेगी, और ना भेजती नहीं, और मन में सोचती है ना साला रायले फकिंग रायले, और वो सोचती है ना कि जो डिवोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, और लिली को पता था डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल होगा ये लिली को नहीं पता था, क्योंकि भाई जब आप डिवोर्स लेते हो ना और एक बच्चे को बड़ा करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आती हैं, और आप उस पर्सन के साथ तो आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा जिससे आपने डिवोर्स लिया है। हमें ऐसा लगता है ना कि डिवोर्स लेंगे और चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। आप लोग फिगर आउट करते हो कि भाई बर्थडे की पार्टी कहाँ करेंगे, पहले कौन करेगा बाद में क्या करेगा, एक साथ करनी है अलग अलग करनी है, हम लोग छुट्टियों पे कहाँ जाने वाले हैं, तुम कहाँ जाओगे बेटी को लेके, हम कहाँ जाएंगे, किस घंटे में कौन से वक्त में आप उस समय अपने बेटे बच्चे के साथ वक्त बिताओगे, कौन उस वक्त बिताएगा। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई आपने कहा कि डिवोर्स है और आपने झट से पूरा पल्ला झाड़ लिया, ऐसा कभी कुछ नहीं होता, आप उनके साथ ना हमेशा जुड़े रहते हो। और यही चीज़ लिली भी फील कर रही थी रायली के लिए, और लिली को लगता है ना कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे ना हर बार रायली के लिए सॉरी फील करना छोड़ना पड़ेगा, मैं कब तक उससे डरूँ, कब तक मैं ये सोचूँ कि भाई उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, और मुझे कब तक वेट करना पड़ेगा कि मैं किसी और को डेट कर सकूँ और जो रायली है वो जले भी ना या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं कब एटलस को डेट करूँगी और मैं फ्रेंकली ये बता सकती हूँ सबको कि मैं एटलस को डेट कर रही हूँ, और कब मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूंगी बिना किसी दूसरों की चिंता किए। इतने में क्या होता है, जो लिली का फ़ोन है ना वो बजता है, और जो लिली की मम्मी है ना वो उसको कॉल कर रही होती है। लिली फटाक से अपने बेड से उठती है, लिविंग रूम में जाती है, फ़ोन उठाती है और कहती है हे। अब जो लिली की मम्मी है ना वो फ़ोन उठाते ही सीधे कहती है क्या मैं लिली को ले जाऊँ बाहर। अब जो लिली ना वो ये सुन के हंसने लगती है, क्योंकि जब से लिली माँ बनी थी ना, जो लिली की मम्मी थी ना वो उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो कहती थी ना, लिली कहती है उनको चिढ़ाते हुए, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। अब जो लिली है ना वो एक चीज़ तो मान ही चुकी थी कि जो एमी है ना वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि जो एमी थी, जब एमी मात्र 6 हफ्ते की थी ना, उसकी मम्मी उसको ले जाती थी और घंटे उससे बैठ के बातें करा करती थी, और पिछले महीने ना पहली बार एमी लिली के अलावा किसी और के साथ रुकी पूरी रात। जब लिली अपनी मम्मी के पास पहुंची ना, जो एमी थी वो ऑलरेडी सो चुकी थी, फिर लिली ने डिसाइड करा ना कि आप उसको रात को नहीं लेके जाएगी, वो आराम से सुबह आएगी फिर उसको दोबारा से ले जाएगी। अब जो लिली की मम्मी होती है ना वो कहती हैं कि रॉब और मैं पास में ही हैं, हम लोग 20 मिनट में आ जाएंगे, और हम लोग ना बोटैनिकल गार्डन जा रहे हैं और वहाँ पे ना बहुत मज़ा आएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, तुम यूज़ कर सकती हो वो ब्रेक। अब जो लिली होती है ना कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं एमी को तैयार कर देती हूँ। अब अगले सीन में क्या होता है ना, जो आधे घंटे का टाइम बीत चुका होता है, दरवाजे पे कोई नॉक करता है, और जैसे लिली दरवाज़ा खुलती है ना, जो लिली की मम्मी होती है और रॉब होता है वो अंदर आ जाते हैं, और जो लिली की मम्मी होती है ना वो बिना लिली से बात करे ना सीधे एमी के पास जाती है, जो एमी का पालना होता है,
और जो लिली होती है ना वो कहती है हाय मॉम, जानबूझ के टीज करते हुए कहती है। अब जो लिली की मम्मी होती है ना वो उस बच्चे को उठाती है पालने से, एमी को उठाती है, और ना उसके कपड़ों को देखती है, कहती है कि ये मैंने इसको दिलाए हैं। अब जो लिली है ना कहती है नहीं, ये रायली से मिले हैं एक्चुअली। और लिली सोचती है ना कि जो रायली है वो एमी से 6 महीने बड़ी है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि इससे क्या होता है जो एमी है ना उसको कोई भी कपड़े नहीं खरीदने होते, और जो एलिसा है ना उसने इतने कपड़े दे दिए हैं रायली के कि मुझे कोई कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि जो रायली है वो एक बार अगर कपड़ा पहनती है ना तो एलिसा उसको दोबारा से वो कपड़ा पहनने ही नहीं देती। और जो एमी है ना आज उसने वो कपड़े पहने थे जो रायली ने अपने फर्स्ट बर्थडे पे पहने थे। और लिली के ना मन में ये ख्याल था कि ये जो कपड़े हैं ना ये एमी को मिल जाए, और हुआ भी वैसे ही। जो एमी ने कपड़े पहने थे ना नीचे वो पिंक कलर की लेगिंग्स थी, और उस पर ना एक ग्रीन कलर का तरबूजा बना था, और जो उसने ऊपर टॉप पहना था वो ग्रीन कलर का था, उस पर ना पिंक कलर का लेमन बना था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और जो लिली की मम्मी थी ना उन्होंने सब कुछ खरीद के ला के दिया था एमी के लिए जो कि वो कभी नहीं पहनती थी। एक ब्लू जैकेट भी ला के दी थी ना जो उसने लिली ने पहना दी थी। अब लिली की मम्मी कहती है कि जैकेट तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रही है, मैंने इसको पिंक जैकेट लेके नहीं आई थी क्या मैं इसके लिए। अब जो लिली है ना वो कहती है वो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब आप वो जैकेट लेके आई थी ना तो एमी बहुत ज़्यादा छोटी थी, और इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैच करें ना करें कपड़े। अब जो लिली की मम्मी है ना कहती है अरे यार, और ना ये चीज़ साफ उनके चेहरे पर झलक रही थी कि भाई गड़बड़ी हो गई है। अब जो लिली ने वो मन में सोचती है कि भाई जब भी मुझे पता चल चुका है अब जब भी एमी घर पर आएगी ना तो उसको नए कपड़े तो मिलने ही वाले हैं, नए जैकेट तो ज़रूर मिलेगी। वो क्या करती है ना एमी के माथे पे किस करती है, और उसकी मम्मी ना दरवाजे की तरफ जाने लगती है। अब जो रॉब होता है ना, लिली क्या करती है रॉब को डायपर का बैग दे देती है। अब जो रॉब है ना वो लिली की मम्मी को कहता है क्या तुम चाहती हो मैं इनको पकड़ लूँ। अब जो लिली की मम्मी होती है ना वो कस के एमी को पकड़ लेती है, कहती है नहीं मैंने इसको पकड़ रखा है, और वो ना जाने लगती है, और कहती है ना कि हम लोग कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। अब जो लिली कहती है किस वक्त तक, और यूजुअली ना लिली ये पूछा नहीं करती थी कि कब तक वापस आओगे क्यों आओगे, लेकिन आज लिली ने ये पूछा क्योंकि लिली के मन में एक ख्याल आ रहा था ना कि भाई जो एटलेस है शायद आज उसकी भी छुट्टी हो तो हम लोग शायद लंच साथ में कर लें, और आज मैं एक्चुअली मैं फ्री हूँ। अब जो लिली की मम्मी है ना वो कहती है मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज कर दूंगी, क्यों तुम कहीं जा रही हो क्या, मैं तो ये सोची थी कि तुम अपना टाइम सोने में यूटिलाइज करोगी। अब जो लिली थी ना वो मन में सोचती है कि नहीं अभी मैं अपनी मम्मी को किसी ऐसा चीज़ नहीं बताना चाहती कि मैं किसी लड़के को डेट कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगी और इतने में जो बोटानिकल गार्डन है वो बंद भी हो जाएगा। अब लिली कहती है ना हाँ हाँ मैं सोऊंगी, बस सोऊंगी, मैं अपना फ़ोन को ऑन रखूंगी है ना मज़े करो। अब जो उसकी मम्मी होती है ना वो दरवाजे की तरफ जाने लगती है, जो रॉब होता है ना वो एकदम से रुकता है, कहता है ना एक चीज़ याद रखना जब तुम यहाँ से बाहर जाओ तो अपनी जो कार है ना वो एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर पार्क करना, क्योंकि अगर तुम कहीं जाओगे और तुमने कार इधर उधर पार्क कर दी ना तो उसकी मम्मी को पता चल जाएगा, तो इसलिए भाई वो तुमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, और ना आँख मार के वहाँ से जाने लगता है। अब जो लिली है वो मन में सोचती है कि जो रॉब है ना वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, थैंक यू यार। अब लिली क्या करती है दरवाज़ा बंद करके ना भाग के अपने फ़ोन के पास जाती है, क्योंकि पिछले आधे घंटे से जो लिली थी ना वो एमी को तैयार करने में लगी थी तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था आधे घंटे से कि वो अपना फ़ोन चेक कर सके। और जब वो फ़ोन देखती है ना तो उसको देखती है कि भाई जो एटलेस था उसने एक मिस कॉल करी थी लगभग 20 मिनट पहले, और ये चीज़ देख के ना जो लिली है उसके पेट में ना तितलियाँ सी होने लगती है, और उसको ये लगता है ना कि शायद आज इसकी भी छुट्टी हो। वो फटाफट क्या करती है ना अपना चेहरा फ़ोन में देखती है और तो उसको ना वीडियो कॉल करना शुरू करती है। और लिली को ये लगता है ना कि पहले वो वीडियो कॉल को ना बड़ा नफरत करा करती थी, क्योंकि ऐसा लगता था ना कि वीडियो कॉल कौन करे बेकार है, लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि वीडियो कॉल जब आप करते हो ना तो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हो। और लिली को ये लगता है ना कि मैं हमेशा उसको देखना चाहती हूँ कि उसने क्या पहना है आज, वो कैसे जब मुझसे बात कर रहा है तो कैसे चेहरे बना रहा है। और जैसे ही एटलेस फ़ोन उठाता है ना जो लिली है वो ऑलरेडी स्माइल कर रही होती है। एटलेस क्या करता है फ़ोन ना थोड़ा उठाता है और लिली आज देखती है कि वो किचन में खड़ा है, और ये ना बड़ी अनफेमिलियर सी किचन होती है क्योंकि जब लिली ने 2 साल पहले उसके घर में विजिट करा था वो किचन अलग थी और ये किचन अलग है। अब जो एटलेस है ना वो कहता है मॉर्निंग, और ना बड़ा स्माइल करके कहता है, लेकिन लिली ये पहचान लेती है कि या तो इसकी शक्ल पर रात भर ये सोया नहीं है या फिर ये अभी ये सो के उठा है। अब जो लिली है ना कहती है हे, अब जो एटलेस है ना वो कहता है अच्छे से नींद आई। अब जो लिली है ना कहती है हाँ फाइनली अच्छे से मैं सोई, और तुमने अपने किचन को बदल दिया क्या। अब जो एटलेस है ना वो कहता है हाँ मैं शिफ्ट हो गया हूँ। अब जो लिली कहती है कब कहाँ। अब जो एटलेस है ना वो कहता है इसी साल, और मैंने अपना वाला घर था ना वो बेच दिया वहाँ से ताकि मैं रेस्टोरेंट के थोड़ा पास में शिफ्ट हो जाऊँ। अब जो लिली है कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, और लिली मन में सोचती है ना कि अब ये रेस्टोरेंट के पास शिफ्ट हो गया है इसका मतलब ये मेरे आसपास ही कहीं रहता है। और कहती है ना लिली क्या तुम कुछ बना रहे हो। अब जो एटलेस है ना वो क्या करता है बैक कैमरे से ना जो भी उसने खाना बना रखा होता है वो दिखाता है उसको कि वहाँ पे कई सारे अंडे थे, बैकन था, पैनकेक्स थे और 2 प्लेटें थी, 2 ग्लास जूस के थी। अब जो लिली है ना एकदम से वो थोड़ा देखती है और कहती है ना कि ये तो बहुत सारा खाना है, और कहीं ना कहीं ना लिली के मन में जेलसी भी थी। और जो एटलेस है ना वो कहता है हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, और उन्हें स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। अब भैया जो लिली है ना थोड़ी सी वो उदास हो जाती है और वो ना सर हिला के हाँ कहती है।
अब जो एटलस है ना वो कहता है नहीं नहीं लिली ऐसा नहीं है, और वो ना हंसने लगता है। और जो एटलस का रिएक्शन था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उसको ना बड़ा ये चीज़ अच्छी लगती है लिली को, जो भी एटलस जिस तरीके से रिएक्ट करता है। वो ना फ़ोन को थोड़ा सा ऊंचा लेके आता है और वो पीछे दिखाता है कि कोई खड़ा है। अब जो लिली थी ना वो ये चीज़ तो समझ गई थी कि पीछे ना कोई औरत नहीं खड़ी, ये कोई लड़का है, और वो लड़का बिल्कुल एटलस की तरह लग रहा है, उसकी ना आंखें भी बिल्कुल एटलस की तरह है। अब लिली को मन में ये लगता है कि इसका कोई बच्चा भी है जो कि मुझे नहीं पता, ये चल क्या रहा है। अब जो पीछे बच्चा खड़ा होता है ना जॉश, वो कहता है उसको ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम उसको डरा क्यों रहे हो। अब जो एटलस ना फटाफट जो फ़ोन होता है वो अपने चेहरे पे ले आता है, कहता है नहीं नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा भाई है। अब लिली को मन में लगता है भाई। अब जो एटलस है ना वो अपने भाई को दोबारा से दिखाता है, कहता है ना हाय बोलो लिली को। अब जो जॉश है ना वो कहता है नहीं। अब जो लिली है ना वो कहती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो एटलस है ना वो उसको देख रहा होता है, उससे ना माफ़ी मांगता है, कहता है ना कि इसको माफ़ करना है, ये थोड़ा ना जर्क किस्म का आदमी है। अब जो लिली है ना उसको कहती है एटलस, और जो एटलस है ना वो कहता है अरे इट्स ओके, उसको पता है कि वो जर्क है। और जो पीछे बच्चा होता है ना जॉश, वो भी हंसने लगता है क्योंकि उसको पता है जो एटलस है ना वो मजाक कर रहा है। लेकिन ना जो लिली होती है वो बहुत कन्फ्यूज़ होती है, और लिली कहती है ना मुझे कोई आइडिया नहीं था तुम्हारा कोई भाई भी है। अब जो एटलस है ना वो कहता है मुझे भी नहीं पता था अब तक, मुझे पिछली रात को ही पता चला हमारी डेट के बाद। अब लिली ना सारी कड़ियाँ जोड़ने लगती है कि हाँ उसको फ़ोन आया था और मैसेज मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि इसका एक परिवार भी है, और शायद इसीलिए जो इसकी माँ थी वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। अब जो लिली है ना उससे कहती है ऐसा लगता है तुम्हें काफ़ी काम है करने के लिए आज। अब जो एटलस है ना वो कहता है हाँ काम तो है लेकिन तुम फ़ोन मत काटना। वो फटाफट ना किचन से निकल के दूसरे कमरे में चला जाता है, कमरा बंद करता है और आराम से बेड पे बैठ जाता है, और कहता है ना कि अभी बिस्किट्स को पकने में 10 मिनट हैं तो मैं 10 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ। अब जो लिली है कहती है वाह यार पैनकेक्स और बिस्किट, ये चाय तो बहुत लकी यार, और मैं तो सिर्फ आज ब्लैक कॉफ़ी पी है ब्रेकफास्ट में। अब जो एटलस है ना वो हंसता है, उसकी स्माइल ना सब कुछ बता रही होती है, लेकिन जो उसकी स्माइल थी ना वो ये भी बताती है कि आज ये अच्छे मूड में नहीं है, और जब उसने अकेला देखा ना तो पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। अब जो एटलस है ना पूछता है कि एमी कहाँ पे है। जो लिली वो कहती है मेरी मम्मी उसको बाहर लेके गई है कुछ घंटों के लिए। और जैसे ही एटलस ये चीज़ सुनता है ना वो तो एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि भाई आज दोनों का ही ऑफ था और एमी भी घर पे नहीं है। जो एटलस है ना वो कहता है आज एक्चुअली में तुम फ्री हो। अब जो लिली है ना वो कहती है हाँ, और ऐसा नहीं है हम लोग चीज़ों को स्लो लेके जाएंगे, याद है तुम्हें, और वैसे भी ना तुम्हें हर दिन ये नहीं पता चलता कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। अब जो एटलस है ना वो अपने बालों में हाथ लगाता है, कहता है शिट यार, और कहता है ना यही वो लड़का था जो रेस्टोरेंट को ना तोड़फोड़ कर रहा था रेस्टोरेंट का रात में। अब जब लिली ये सुनती है ना तो एकदम सन्न रह जाती है, और उसको ना जानना होता है कि आगे की स्टोरी क्या है। अब जो एटलस है ना वो कहता है तभी मेरी माँ ने मुझे कॉल करने की कोशिश कर रही थी पिछले हफ्ते, और मैंने ना उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, कभी कभी तो मुझे बेकार सा लगता है कि मैंने खाली उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब जो लिली ने कहती है तुम्हें नहीं पता था यार। और जो लिली होती है ना वो लिविंग रूम में खड़ी होती है, और उसको पता है ये कन्वर्सेशन थोड़ी अच्छी चलेगी ना, वो फटाफट जाके ना काउच पर आराम से बैठ जाती है और कहती है ना क्या वो जानता है तुम्हारे बारे में। अब जो एटलस है ना वो कहता है हाँ उसको पता है कि मैं उसके बारे में जानता हूँ, और वो ना तभी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कई हजारियों डॉलर का ना उसने मुझसे नुकसान कर दिया, अदरवाइज़ वो लड़का अच्छा है, और ऐसा लगता है ना कि वो अच्छा हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, अभी ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी माँ कैसी थी, तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि जॉश के साथ भी क्या क्या हुआ होगा। अब जो लिली ने कहती है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ है। अब जो एटलस है वो मना करता है, कहता है नहीं मैंने उन्हें भी बताया नहीं है, और मैं अपने एक दोस्त है जो कि लॉयर है मैं उससे बात कर रहा हूँ, और उसने मुझे कहा है ना कि जितना जल्दी मैं माँ को बता दूंगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ फिर कहीं वो मेरे अगेंस्ट ना यूज़ कर ले। अब जो लिली ये कहती है मेरे अगेंस्ट ना यूज़ कर ले, और उसको पूछती है एक मिनट तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम उसकी कस्टडी लेना चाहते हो जॉश की। अब जो एटलस है ना वो बिना झिझक के कह देता है मुझे नहीं पता कि जॉश क्या चाहता है, बस मैं एक ओपिनियन ले रहा था कि मैं शायद उसके साथ रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ कैसी है, और वो चाहता है ना जॉश कि वो अपने पापा के साथ रहे, और जो टिम है ना वो तो मेरी माँ से भी ज़्यादा ख़राब आदमी है। अब जो लिली है ना वो कहती है कि एक भाई होने के नाते आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। अब जो एटलस है ना वो सर हिला के कहता है कि हाँ तब तक नहीं जब तक मेरी माँ ना मान जाए कि ये मेरे साथ रह सकता है, और मैं अभी ना इस कन्वर्सेशन को लेकर तैयार नहीं हूँ, मुझे पता है अगर मैं उसको ये बात कहूँगा ना तो वो सीधे ना कह देगी। अब जो एटलस है ना वो थोड़ी गहरी सांस लेता है, कहता है ना लेकिन अगर ये अब माँ के साथ रहा तो मुझे पता है इसकी ज़िंदगी कैसी होगी, ऑलरेडी इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब मैं इसकी एज का था ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और मुझे ऐसा लगता है ना कहीं इसका गुस्सा इसकी ज़िंदगी पे ना बहुत ज़्यादा असर ना डाल दे, क्योंकि हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता ना कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएं, और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर ये मेरे साथ रहेगा तो मैंने अगर चीज़ें अपनी माँ से भी ज़्यादा ख़राब कर दी तो। अब जो लिली ने कहती है तुम ऐसा नहीं करोगे एटलस, तुम्हें पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। अब जो एटलस है ना वो जो लिली की ये बात थी ना वो थोड़ा सा मानता है कि हाँ चलो एटलीस्ट कोई तो है जो मुझे तसल्ली दे रहा है, और एटलस कहता है ना कि ये कहना बहुत इजी है यार लेकिन
पता है मैं ना बच्चों को बड़े करने में ना मैं नेचुरल नहीं हूँ। और जो लिली नम कहती है कई बार तुम्हें झूठा दिखाना पड़ता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मैं भी शायद वही कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई पेरेंट वही करता है यार। हम लोग ऐसा दिखाते हैं ना कि एक हम लोग अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में यह है ना कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम उन्हें बड़ा कर रहे हैं। अब जो एटलस नम कहता है ये तो बहुत ज़्यादा तसल्ली देने वाला भी है और डराने वाला भी है। अब जो लिली नम कहती है तुमने तो पूरा जो पेरेंटहुड है ना उसको दो शब्दों में निचोड़ दिया। अब जो एटलस है ना वो कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है ना मुझे वापस जाना चाहिए इससे कि पहले ही वो कुछ चोरी कर ले, और मैं ना तुम्हें आज दिन में दोबारा से कॉल करूँगा ठीक है। अब जो लिली ना कहती है ओके गुड लक, और जो एटलस था ना जब वो गुड बाय बोलता है तो वो चीज़ ना लिली को बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है। और जब वो कॉल एंड करती है ना लिली वो आराम से अपने बेड पर जाती है और बेड पर लेट जाती है, और उसको ये लगता है ना कि यार जब मैं एटलस से बात करती हूँ मुझे कितना अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक फील होता है, भले ही फिर वो चाहे वो कॉल में कितनी हम शॉकिंग और डरावनी बातें क्यों ना कर रहे हो। लिली को मन में ये लगता है ना अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ रहता है मैं अभी गाड़ी चला के उसके पास जाती, उसको हक करती जैसे कि वो मुझे हक देने आया था। अब लिली को ये लगता है ना कि मैं मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि वो ये सब चीज़ें डील कर रहा है अकेले, लेकिन साथ ही साथ उसको ये अच्छा भी लगता है कि चलो एटलीस्ट वो खुश तो है। और वो ना बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकती कि उसको कितने साल कितना अकेला फील हुआ होगा, जबकि उसको बिल्कुल कोई ना उसके पास कोई परिवार था ना कोई था, लेकिन अब फाइनली उसके पास कोई फैमिली है और वो बेचारा बच्चा एटलीस्ट ये सब कुछ दोबारा से फील कर रहा है। और वो कैसा लगता होगा कि जब आपकी माँ आपको प्यार ना करे, सेम चीज़ अब वो बेचारा बच्चा ही फेस कर रहा होगा। अब इतने में क्या होता है ना जो लिली का फ़ोन होता है उस पर ना एक मैसेज आता है, और ये मैसेज पढ़ने के बाद ना लिली स्माइल करने लगती है क्योंकि वो मैसेज काफ़ी लंबा होता है और उसमें लिखा होता है ना थैंक यू यार इतना कंफर्ट दिलाने के लिए मेरी ज़िंदगी में, थैंक यू तुम हमेशा से ना मेरे लिए एक बेकन थे जो कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे याद दिलाता था जब भी मैं रास्ता भटक जाता था, और तुम ना बहुत ज़्यादा मीन करती हो मेरी लाइफ में, और तुम्हारी ना बहुत ज़्यादा अहमियत है मेरी ज़िंदगी में भले ही तुम मेरे साथ हो या ना हो, और मैं इस चीज़ का ना तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे तुम्हें किस कर लेना चाहिए था। अब जो लिली थी ना ये पढ़ने के बाद अपना हाथ अपने मुंह पे रख लेती है और उसके दिल में ना बहुत सारे इमोशंस आ रहे होते हैं, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। अब जो लिली है ना वो उसको मैसेज कर देती है कि जॉर्ज बहुत लकी है कि तुम उसकी ज़िंदगी में हो। अब कुछ ही सेकंड बीतते हैं ना जो एटलस है जो लिली ने भेजा होता है ना उसको दिल उस पर ना रिएक्ट करके दिल बना के भेज देता है। इतने में जो लिली होती है ना वो दोबारा से ना उसको एक मैसेज भेजती है, कहती है ना तुम सही थे तुम्हें ना मुझे किस करना चाहिए था। और जो एटलस है ना ये मैसेज पढ़ने के बाद उस पर दोबारा से ना दिल का रिएक्शन बना के भेज देता है। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो ख़त्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।